Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I'm Ishrat Muzaffar from Brain Nishad and I've done my schooling from Kashmir Harbour Naseem Bagh. So recently subah 12th class ka result declare hua and expected score jo tha wo acha hi tha because mere papers acche gaye the and I expected 490 plus but I didn't expect a perfect score ho payega. I'm really very excited and all thanks to almighty Allah. Unke saath ke bina to ye possible nahi tha and obviously I would like to thank my parents jinne hamesha mujhe motivate kiya, support kiya. एंड जो भी मैं करना चाहती थी हमेशा उस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया. एंड उसके बाद जो हमारे स्कूल के टीचर्स, हमारे कोचिंग के टीचर्स थे, दे आर ऑलवेज देयर एंड हमारे कन्फ्यूजन्स, डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो हमेशा थे. तो स्पेशल थैंक्स टू देम एंड स्पेशली आई वुड लाइक टू थैंक मुबशिर सर जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. एंड आई थिंक जितना भरोसा मुझे खुद पे नहीं था उससे ज़्यादा भरोसा उनको मुझ पर था एंड वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे, मोटिवेट करते थे. इवन पेंडेमिक के दौरान ने बहुत कॉल्स भी किए मुझे प्रैक्टिकल्स के लिए आने के लिए एंड ऐसे करते भी थे कॉल प्रिपरेशन कैसी चल रही है. तो उनको बहुत ज़्यादा यकीन भरोसा था मुझ पर एंड उन्हीं की वजह से ये हो सका, ये पॉसिबल. एंड ऑल थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह. और अगर बात करेंगे इस रिज़ल्ट के हवाले से, मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो हमारा ये जो भी हम ये करते हैं ये सब हमारे इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है. तो किसी इंसान का अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो वो साइंस ही पढ़ना पसंद करेगा और उसको पढ़ना भी वही चाहिए क्योंकि जिस इंसान का जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो उसी में परफेक्ट चीज़ कर सकता है. लेकिन टच द स्टार्स, तो जिस चीज़ पर डिपेंड करता है वो इस पर नहीं कि वो कितना पढ़ेगा या उसको कितनी गाइडेंस मिलेगी, डिपेंड करता है कि इंसान का किस चीज़ में इंटरेस्ट है. दैट्स द थिंग दैट मैटर. तो एक इंसान को हमेशा वही करना चाहिए जिसमें उसका अपना इंटरेस्ट है, जो वो करना चाहता है. तो आई थिंक ही कैन टच द स्टार्स अगर वो वैसा कुछ करेगा. सो एंड आई वुड लाइक टू विश ऑल द बेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो एग्जाम्स में अपेयर होने वाला है, जिस भी एग्जाम में अपेयर होने वाला है. बस कंसिस्टेंट रहो, मल्टीपल रिविजन्स करो चीज़ों की, क्योंकि एक बार अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं आई डोंट थिंक कि वो एक बार बस पढ़ने से चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी या हम अच्छा कर पाएंगे. तो हर एक चीज़ के मल्टीपल रिविजन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली NCERT जो हमारी होती है जिसको हम यूजुअली निगलेक्ट करते हैं. तो बीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम, आई थिंक टेक्स्ट बुक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी दोनों के सक्सेस के पीछे, बोर्ड या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पीछे. सो अपनी NCERT बुक पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड अगेन आई वुड लाइक टू थैंक ऑलमाइटी अल्लाह. थैंक यू.